नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में 21 मार्च से ईडी की हिरासत में हैं। ईडी की हिरासत में केजरीवाल की शुगर में कई बार उतार चढ़ाव देखा गया। अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुनवाई में केजरीवाल को इंसुलिन मुहैया कराने की मांग रखी है। केजरीवाल के वकील ने कहा है कि जेल में उनकी शुगर की निगरानी की जाए और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंसुलिन थेरेपी दी जाए। तिहाड़ के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन के अनुरोध पर एलजी को रिपोर्ट सौंपी है। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और अभी तक उनकी शुगर दवाइयों से नॉर्मल जा रही थी, अचानक से एक महीने के अंदर इंसुलिन लेने की नौबत क्यों आ गई? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है, सीएम की हत्या की साजिश रची जा रही है, केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है और ना ही फैमिली डॉक्टर से बात कराई जा रही है। इसको लेकर एक बार फिर से दिल्ली की सियासत भी घमासान मचा है। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। नारा तो जो मर्जी वो दे लो, नारा 400 पार का है भाजपा का और दिल्ली की जनता का नारा है उनका 400 पार है और दिल्ली में भाजपा की हार है। चारों तरफ दिख रहा है भाजपा की हिम्मत नहीं हुई अपने सांसदों को टिकट दे दें। अगर 400 पार था तो कैंडिडेट क्यों बदले, लोग पूछ रहे। अगर 400 पार था तो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में क्यों डाला गया? 400 पार है तो इतना अत्याचार मुख्यमंत्री के साथ क्यों हो रहा है? पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, उसके बाद उनके परिवार से बच्चों से बीबी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है आमने सामने। अब शुगर के मरीज है अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं इंसुलिन भी लगाने का परमिशन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, सब करो राजनीति, सब करो राजनीति, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेलने की आप निर्णय मत लो। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, एलजी साहब से निवेदन है, राजनीतिक दुश्मनी निभाओ लेकिन सारी हदें मत पार करो। ये भारत देश है, अंग्रेजों के भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया, ये देश अब खड़ा हो रहा, दिल्ली खड़ी हो रही है। अगर आप अत्याचार की हदें पार करोगे तो दिल्ली के लोग आपसे मुकाबला करने के लिए भी हदें पार करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, सब राजनीति करो, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से मत खेलो। जैसे उनके भाई के को, उनके उनके बेटे को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, जवाब देने के लिए जनता खुद तैयार है। एक ऐसा शख्स जिसने बिजली के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, आज आप उसको इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे हैं? जो व्यक्ति दिल्ली के करोड़ों लोगों के दवा का, इलाज का इंतजाम करता है और जो उनके लिए चिंता करता है दिन रात, तो ये आज सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी जुल्म, इतनी जाति क्यों की जा रही है? एक ऐसी सरकार जो इतना बेहतरीन काम करके दिखा रही है, न सिर्फ देश में पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, आप ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए हैं। तो जनता इस बार चुनाव प्रचार में है, वो खुद प्रचार कर रही है, वो खुद वोट मांग रही है और वो खुद सभाओं में आ रही है। यहाँ पर कोई भीड़ पैसे देके नहीं बुलाई गई, अपने अपने मन से सब इतनी रात को पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ जुड़े। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी तो एक क्रूर और संवेदनहीन पार्टी है, उनके भी पार्टी में लोग बीमार हैं। मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा भी यही सिखाती है कि कोई आदमी अगर बीमार है तो उसके स्वस्थ होने की कामना की जाए।
और क्या कर रहे हैं भाजपाई, वो तो जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि केजरीवाल का जीवन ही चला जाए, लेकिन जीवन जाने नहीं देंगे उनका। उनके ऊपर बहुत लोगों का आशीर्वाद है, जो आप उनको मारने की साजिश रच रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी।